दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, युवराज सिंह के आते ही बदल गई मुंबई इंडियंस की पूरी टीम। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 के पहले मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। युवराज सिंह के आ जाने से पूरी की पूरी मुंबई की टीम बदल गई है। तो आखिरकार युवराज सिंह के आने से मुंबई की टीम में क्या बदलाव हुआ है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, युवराज सिंह और रोहित शर्मा में से कौन खतरनाक खिलाड़ी है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर सभी टीमें पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। दरअसल आईपीएल 2023 के लिए सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाल ही में साल 2023 के आईपीएल की नीलामी 23 दिसंबर 2022 को हुई थी, जहां पर भारतीय सरजमी पर हुई नीलामी में कई खिलाड़ी मालामाल हुए। इसके साथ ही आईपीएल के नए साल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस साल आईपीएल कई बड़े बदलावों के साथ होने वाला है, जहां पर आईपीएल के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी अपनी टीम को मजबूत नीलामी में कर दिया है, जिसके बाद अब सभी टीमें आईपीएल 2023 खेलने के लिए बेताब हो गई हैं। और इसी बीच साल 2023 के आईपीएल का कार्यक्रम अभी तक ऑफिशियल घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से युवराज सिंह की एंट्री हो चुकी है। इनके आ जाने से मुंबई की पूरी टीम बदल चुकी है। दरअसल मुंबई इंडियंस की टीम में युवराज सिंह को मेंटर के रूप में शामिल किया जा सकता है। खबरों के अनुसार युवराज सिंह ने अपडेट करते हुए बता दिया है कि वो जल्दी ही मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ने वाले हैं, जहां पर कयास लगाए जाने लगे हैं कि युवराज सिंह मुंबई के लिए मैनेजमेंट में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में इनके आ जाने से उन्होंने अपनी मुंबई की टीम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। यहां पर उन्होंने अपनी टीम का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका दिया है, जहां पर उन्होंने बता दिया कि ये दोनों खिलाड़ी मुंबई की टीम के लिए एक मजबूत शुरुआत दिलाते हुए जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा युवराज सिंह ने मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और डेवाल्ड ब्रेविस को शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बता दिया कि तीनों खिलाड़ियों ने पिछले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया था और मुंबई को मजबूती के साथ जीत दिलाने की कोशिश किए थे, लेकिन नसीब खराब होने के कारण मुंबई जीत नहीं पाई थी। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने रमनदीप और टीम डेविड को शामिल किया है, जो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के साथ साथ बेहतरीन गेंदबाजी से भी मुंबई को मजबूती दिलाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा गेंदबाज के तौर पर जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह को युवराज सिंह ने तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए शामिल किया है, जहां पर उन्होंने बता दिया कि इन दोनों खिलाड़ियों के आ जाने से मुंबई की टीम की गेंदबाजी अपने आप मजबूत हो चुकी है। ऐसे में मुंबई की टीम को किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा फिरकी गेंदबाज ऋतिक शौकीन को भी खेलने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में जेसन बैरनट्रॉप दोनों तेज गेंदबाजों को मजबूती दिलाने का काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार मुंबई की टीम आईपीएल का खिताब जीत सकती है या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।